महीने के अंतिम दिन 30 जून से भक्त बाबा अमरनाथ की दर्शन कर पाएंगे। इस साल जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन तक रहेगी। बाबा अमरनाथ की गुफा का इतिहास हजारों साल पुराना है। गुफा के अंदर बर्फीले पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती है। इन्हीं बूंदों से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचा बर्फ का शिवलिंग बन जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी गुफा में शिवजी ने देवी पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई घटने बढ़ने का संबंध चंद्रमा से है। पूर्णिमा पर शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है, जबकि अमावस्या पर शिवलिंग का आकार कुछ छोटा हो जाता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ अमरनाथ का शिवलिंग भी घटता बढ़ता रहता है। बाबा अमरनाथ की गुफा और श्रीनगर के बीच की दूरी लगभग 145 किलोमीटर है। ये गुफा हिमालय पर समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट ऊंचाई पर है। गुफा में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनता है। शिवलिंग के साथ ही यहाँ गणेश जी, पार्वती जी और भैरव महाराज के हिमखंड भी बनते हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा दो रास्तों से की जाती है। एक रास्ता पहलगाम और दूसरा सोनमार्ग बालटाल। इस यात्रा के लिए सबसे पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद पैदल यात्रा की जाती है। पहलगाम से अमरनाथ की दूरी करीब 28 किलोमीटर है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा सरल और सुविधाजनक है। बालटाल से अमरनाथ की दूरी करीब 14 किलोमीटर है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल रहता है। पुराने समय में देवी पार्वती शिवजी से अमरता का रहस्य जानना चाहती थी। जब भगवान शिव पार्वती जी को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने अपने साथ के अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ दिया था, माथे के चंदन को चंदनबाड़ी में उतार दिया था और अन्य पिस्सुओं को पिस्सु टॉप वाले क्षेत्र में और गले के शेषनाग को शेषनाग नाम की जगह पर छोड़ दिया था। ये सभी स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के रास्ते में दिखाई देते हैं। शिवजी ने अमरनाथ वाली गुफा में ही देवी को अमरता का रहस्य बताया था। ऐसा माना जाता है कि ये रहस्य एक शुक यानी कबूतर ने भी सुन लिया था। बाद में यही शुक यानी कबूतर शुकदेव ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। आपको बता दें, वैसे तो गुफा का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन अमरनाथ गुफा की खोज के संबंध में ये मान्यता प्रचलित है कि सबसे पहले एक चरवाहे को इस क्षेत्र में कोई संत मिले थे। ये घटना करीब 300-400 साल पुरानी बताई जाती है। संत ने चरवाहे को कोयले से भरी हुई एक पोटली दी थी। जब चरवाहा अपने घर पहुंचा तो पोटली में देखा कि उसमें कोयले की जगह सोना था। ये चमत्कार देख चरवाहा फिर से संत को खोजने उसी जगह पहुंच गया। संत को खोजते खोजते चरवाहे को अमरनाथ की गुफा दिखाई दी। जब वहां के लोगों ने इस चमत्कार के बारे में सुना तो अमरनाथ गुफा को देवस्थान मानते हुए यहाँ पूजा पाठ शुरू कर दी थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।